जल शक्ति विभाग द्वारा अपनी मांगों को लेकर 2 दिवसीय हड़ताल की जा रही है, जिस कारण लोगों को पानी की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लोग पानी के इंतजार में बैठे हुए हैं। लोगों ने अपनी परेशानी व्यक्त करते हुए सरकार से अपील की है कि जल शक्ति विभाग के कर्मचारियों की मांगे पूरी की जाए ताकि उनको राहत मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जेल के मीडिया, जम्मू। अजय अजय, क्या कहेंगे हड़ताल सर? हड़ताल उनकी जेन्युइन है, उनकी डिमांड्स बहुत है, जेन्युइन डिमांड्स है। एल जी साहब को सोचना चाहिए, जिनके पास स्टोर है पानी वो तो सफ़र कर लेंगे, हो जाएगा उनका। जिनके पास स्टोर नहीं है, जो सुबह शाम पानी भरते हैं, सुबह 2 बाल्टी शाम को 2 बाल्टी, वो कहाँ से? दिन भर गर्मी इतनी है, कूलर चलाना है, बहुत कुछ कपड़े हैं, स्कूल जाना है बच्चों ने, उनके लिए पानी चाहिए, पानी की फैसिलिटी है ही नहीं। पीएचई की जो भी डिमांड्स है, जेन्युइन डिमांड्स है। एल जी साहब को बहुत ज़रूरी सोचना चाहिए इसके बारे में। आपका नाम परमन? जी, जिस तरह से आज दिल्ली में जो कि स्ट्राइक है, तो आप परमानेंट हैं? हाँ, परमानेंट। तो क्या कहेंगे? हम सर बैठे हैं अपने स्टेशन पर, हमारी स्टेशन हम चलाएंगे चलाएंगे हम, कि हम तो बंद नहीं करेंगे। डेली वेजर है वो बंद कर रहे हैं, हम उसका गवर्नमेंट देगी उसको, पता नहीं क्या सोचेगी या नहीं सोचेगी। तो हम बैठे हैं अपने स्टेशन पर चलाएंगे, गवर्नमेंट जब बोलेगी हम उससे वक्त इधर ही बैठे हैं। इस तरह जहाँ पर मशीनरी बंद है, तो वो क्या उसको? वो मतलब आएंगे कोई पता नहीं किस लिए, उन्होंने जो नेट वाले थे ना, उन्होंने उस टाइम की 8 बजे की बंद है, उसके बाद पता नहीं कैसे बंद किया। हम आए 7 बजे, उसके बाद ये कोई इधर नहीं कोई चलाने वाला है, मशीनरी का पता नहीं क्या वजह है या नहीं है। इसलिए लोगों से क्या अपील करेंगे? लोग बेचारे अपील करेंगे, उनको भी मजबूरी है। फिर ये लोग जो दस रहे हैं वो भी अपनी डेली बेसिस या मजबूरी दस रहे होंगे, इसलिए स्टेशन उन्होंने बंद किया। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.